जो है ऑप्शन कहीं पे भी नहीं है प्रिंट वन, ठीक है, मतलब वन है ही नहीं, इसका सही आंसर हो जाएगा फोर्थ होगा, यानी कि नन ऑफ दीज होगा, ठीक है। और द डू वाइल लूप इज एन कंट्रोल लूप, ठीक है, यानी कि एग्जिट कंट्रोल लूप, जो डू वाइल लूप है आपका एग्जिट कंट्रोल लूप है, यानी कि सेकंड ऑप्शन नंबर आपका सही होगा, ठीक है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 14 का जो है सेकंड ऑप्शन सही होगा। इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग strcmp string comparison, ठीक है, कंपेयर ऐसा बोल सकते हो, फंक्शन इज यूज फॉर टू कंपेयर टू स्ट्रिंग्स को हम लोग यूज करते हैं इसके लिए, ठीक है, मतलब जो आपका यहाँ पे कंपेरिजन के लिए, यानी कि थर्ड ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है, कंपेयर टू स्ट्रिंग्स। क्वेश्चन नंबर 16 आपका हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर इन सी प्लस प्लस, तो हमारा जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। Which is not a loop structure, तो यहाँ पे देखिए which is not a loop structure, मतलब यहाँ पे से कौन सा लूप नहीं है, सिंपल से समझ लो, तो रिपीट अंटिल यहाँ में लूप नहीं है, यानी क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा। Which of the following is not a feature of C++, तो which of the following is not a feature of C++, तो आपका जो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है फीचर नहीं है आपका C++ का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, ओप्स का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ओप्स का मतलब होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, सही है, ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे 20 क्वेश्चन नंबर इज द वे रिप्रेजेंटिंग एसेंशियल फीचर विदाउट बैकग्राउंड डिटेल, तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन नंबर 20 का आपका जो सही आंसर हो जाएगा थर्ड होगा, यानी कि एब्स्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। क्लास रिप्रेजेंट, यहाँ पे देखिए क्लास रिप्रेजेंट अ ग्रुप सिमिलर ऑब्जेक्ट, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 21 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा अ ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स, मतलब अ ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स जो आपका क्वेश्चन नंबर 21 का फर्स्ट जो है सही आंसर होगा, ठीक है। इनकैप्सुलेशन इज अ वे टू इम्प्लीमेंट, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 22 का आपका जो सही आंसर हो जाएगा इज आपका थर्ड, ठीक है, यानी कि डाटा एब्स्ट्रैक्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का विच हेडर फाइल बिलोंग्स अ फंक्शन ऑफ इज अपर, तो यहाँ पे देखिए इज अपर का कौन सा मतलब यहाँ पे बिलोंग करता है, तो हमारे इसका सही आंसर हो जाएगा सी टाइप डॉट एच, ठीक है, इसका तो सही आंसर हो गया, यानी कि फर्स्ट आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड इज यूज टू कंट्रोल एक्सेस टू अ क्लास मेंबर, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका जो है यहाँ पे आई थिंक वो ऑप्शन ही नहीं है गाइस, ठीक है। यहाँ पे देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड इज यूज टू कंट्रोल एक्सेस टू अ क्लास मेंबर, तो यहाँ पे गाइस एक्सेस टू अ क्लास मेंबर, तो यहाँ पे आई थिंक एक्सेस हो जाना चाहिए, बट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर जो हमें प्रोटेक्टेड दिया गया, ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 24 को एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 अ क्लास सपोर्ट ओप्स, मतलब जो क्लास है उसको सपोर्ट करता है उसको एनकैप्सुलेशन एब्स्ट्रैक्शन डाटा हैंडलिंग, और क्वेश्चन नंबर 25 का जो सही आंसर होगा फोर्थ हो जाएगा, यानी कि ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, ठीक है। बाय डिफॉल्ट द मेंबर ऑफ अ क्लास आर, तो बाय डिफॉल्ट का मेंबर ऑफ अ क्लास जो है ऑलवेज प्राइवेट होता है, तो क्वेश्चन नंबर 26 का प्राइवेट हो जाएगा आपका सही आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 जो आपका एक बार मिला लीजिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा मेंबर ऑफ अ क्लास कैन बी